करते आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। 20 नवंबर 2021 का एक लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड हम हर एक जानकारी हर ज़िले से लगातार दे रहे हैं। जहाँ भी जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ के भी पंचायत सहायकों के लिए, किसी भी मंडल के पंचायत सहायकों के लिए, किसी भी ज़िले के पंचायत सहायकों के लिए, तो वहाँ की लेटेस्ट अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक दिखा रहे हैं और आप लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हम पूरी ट्रेनिंग भी इस पर देने वाले हैं और मैं एक आपसे निवेदन भी करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि तमाम जानकारी हम लगातार लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ दे रहे हैं ताकि उसको सही तरीके से जान के आप सही जानकारी से रूबरू हो सकें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस लेटेस्ट न्यूज़ में सबसे आगे। सबसे पहले मैं बता दूं आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं इसमें आगे। नवचिंतित पंचायत सहायकों का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के संबंध में दोस्तों ये देवी पाटल मंडल गोंडा से यह न्यूज़ निकल के आ रही है। उपयुक्त विषयक निर्देशक उपाध्यक्ष पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान प्रिंट लोहिया भवन अलीगंज लखनऊ के प्रति संख्या प्रिंट इतना दिनांक 12 नवंबर संख्या प्रिंट इतना 16 नवंबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने के लिए, जिसके द्वारा नवचयनित पंचायत सहायक अकाउंटेंट को डाटा एंट्री ऑपरेटर का मंडल स्तर पर 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में निर्देशित निर्गत किए गए हैं। उक्त प्रशिक्षण दिनांक 22/11/2021 से 31/12/2021 तक जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर DPRC श्रास्तवित के आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मंडल के समस्त जनपदों के पंचायत सहायकों की उपस्थिति कराई जानी है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद की निर्धारित तिथि को पंचायत सहायकों की 100% उपस्थिति कराने हैं तो संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं जिला परियोजन प्रबंधक एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अपने जनपद के प्रशिक्षण दिवस में कम से कम 5 या अन्य कर्मचारियों को नामित करते हुए उन्हें असमय उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। दोस्तों विकास खंड से 5 कर्मचारियों को बुलाया गया है, साथ ही जिला कंसल्टेंट एवं जिला परियोजन संबंध में प्रशिक्षण में रिजर्व के रूप में रखा जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रशिक्षण संपन्न कराने हेतु लगाया जा सके। तो दोस्तों ये है गोंडा की यह न्यूज़ थी। आगे मैं देखता हूँ, ये भी दोस्तों सेम है और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आप देख रहे हैं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान प्रिंट लोहिया भवन अलीगंज लखनऊ। तो दोस्तों इसको फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको मैं यहाँ तक समझ में आ रहा है गोंडा का मैं ये न्यूज़ दे दिया गया किस तरीके से हर ब्लॉक से 5-5 कर्मचारियों को बुलाया गया है और वहाँ पर 22 से लेकर 31 तक यहाँ पे जो है कि प्रशिक्षण की बात कही जा रही है। तो दोस्तों ये थी गोंडा की न्यूज़। आगे मैं लगातार ऐसी ही तमाम न्यूज़ के साथ आपके साथ मिलता रहूँगा, आप बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं दोस्तों अगली जानकारी में लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के साथ, लगातार आप बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद।